करत करत अभ्यास से जनमत होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। और काफ़ी कमेंट आ रहा था आप लोगों का इस वीडियो के लिए, तो ये वीडियो तो बिल्कुल बनाना ही था। अच्छा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले ना मेरी एक वार्निंग है, इस वीडियो को वही बच्चे अंत तक देखें जो अपने कैरियर के लिए, अपने गोल के लिए या फिर अपने ड्रीम और सपनों के लिए फोकस्ड है, क्योंकि बाकी जो ऐसे लोग हैं जो अपने कैरियर और गोल को लेके, सक्सेस को लेके फोकस्ड नहीं है, उनको ये वीडियो में दिए गए स्पीचेस न सिर्फ भाषण मात्र लगेंगे। कंसिस्टेंसी द मंत्र ऑफ सक्सेस, ये एक ऐसा मंत्र है ना जिस मंत्र का जाप करके ना आप अपने हर गोल पे सफलता पा सकते हैं। 10 लाख लोग सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं और फॉर्म में मतलब कितने भर्तियां निकलती हैं, 10,000, मात्र 10,000। 9,90,000 लोग उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, मात्र 10,000 लोग उस एग्जाम को क्रैक कर पाते। क्या लगता है कैसे निकाल पाते हैं वो लोग? जिद और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। देखिए, सफलता ना बहुत जिद्दी है, बहुत 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 जिद्दी। आप अगर उससे ज्यादा जिद्दी है तब आपको वो मिलेगी, वरना वो नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे आज मेहनत किए, कल मेहनत किए, एक हफ्ता मेहनत किए, एक महीना मेहनत किए, अरे नहीं हो रहा, छोड़ देंगे, कभी नहीं मिल पाएगी आपको, कभी भी नहीं। दुनिया का आसान से आसान काम भी मुश्किल हो जाता है जब आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। और यह मैं कोई भी आसान बातें बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर आसान चीजें होती तो सभी कर लेंगे ना, सभी कर लेंगे, वो 9,90,000 लोग भी कर लेंगे, वो 10,000 लोग ही क्यों कर पाते हैं। दुनिया का ये टाटा बाय बाय कितना आसान है, बहुत आसान। बट इसी काम को अगर आप कंसिस्टेंसी 1 घंटे करो तो हाथ ऐसे हो जाएगा, 2 घंटे करो तो उठेगा नहीं, 3 घंटे करो तो, और यही प्रैक्टिस और यही कंसिस्टेंसी के साथ लोग नहीं कर सकते। हम लोगों की इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में भी ऐसा होता है, लोग बहुत एक्साइटेड होकर इंग्लिश बोलेंगे बोल के ज्वाइन करते हैं, बच्चे 2 महीने स्पीक करना भी चालू करते हैं, उसके बाद सोचते हैं अब तो हम सीख गए, बच्चे छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे आजकल इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशन सेक्टर्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, अपने ड्रीम को लेके वो सीरियस है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है जिसकी वजह से ना उसको लगता है नहीं ये काम नहीं हो पाया। आप जरा सोचो कि क्या वही काम कोई और उस चीज को, उस गोल को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा मात्र जरिया है ना। आप देखे होंगे कई बार मैंने जो फर्स्ट में दोहा बोला उसका मतलब क्या होता है कि अभ्यास करने से ना कोई भी काम आसान हो जाता है। रस्सी, कोमल रस्सी भी ना बार 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 पत्थर पर रगड़ कर निशान छोड़ देती है। ये सब कहावतें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये हम लोग जब करने की बारी आती है ना, तो फर्स्ट जब हम लोगों को बहुत अच्छा फेज चलता है तो बहुत खुश होकर करते हैं, लेकिन जैसे ही फेज हम लोगों का प्रॉब्लम का आता है, जैसे ही हम लोगों के घर की प्रॉब्लम हो सकती है जब हम काम करते हैं, तो पर्सनल प्राइवेट लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। और वही समय आपका कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का समय होता है, तब तो सफलता आपको मिलेगी ना। विराट कोहली की अगर आपने सुनी होगी एक छोटी सी स्टोरी कि उनके पिताजी का डेथ हो जाता है और उनका मैच रहता है और वो मैच खेलते हैं और खेल के अपना शतक पूरा करते तब जाते पिताजी के अंतिम संस्कार में, तो वो बंदा जो डिजर्व कर रहा है वो डिजर्व कर रहा है क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी और अपने फ्यूचर गोल को सबसे सर्वोपरि रखा। ऐसा नहीं कि अपने पिताजी को सम्मान नहीं दिया। आज अगर मैं बात करूं जितने भी महान लोग हुए हैं वो अपने सिर्फ केवल जिद और कंसिस्टेंसी के कारण हुए। मांझी द माउंटेन मैन के बारे आप लोगों ने सुना है, उसकी बीवी का देहांत हो गया था क्योंकि पहाड़ से घूम कर जाना पड़ता था, दूसरे गांव में था अस्पताल, प्रेग्नेंट थी वो, तो नहीं उसका इलाज हो पाया। उसको ऐसा फितूर चढ़ा, ऐसा जिद चढ़ा कि पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया उसने। एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, लगातार लगे रहे और कई सालों की मेहनत के बाद उसने रास्ता बनाया, कंसिस्टेंसी लगे रहे। थॉमस एडिसन का नाम सुना है आप लोगों ने? बोला जाता है कि 9,900 बार
9,990 बार वो बंदा फेल हुआ था बल्ब का आविष्कार करने में। सब लोग उसको बोलते थे पागल है ये क्या करते रहता है। कंटिन्यू अपना काम कर रहा था और फिर उसने बल्ब का आविष्कार किया। आज हम लोग जो देखते हैं बल्ब, अगर वो फेल होके गिव अप कर देता तो आज हमें वो बल्ब नहीं मिलता। देखो ये एक ऐसा मंत्र है, आप जिस भी जगह पे हो, जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी पद पे हो, सफलता असफलता दोनों आएगी। आप सोचोगे कि आज बहुत अच्छा स्कोर हुआ, आज बहुत अच्छा टेस्ट गया, आज बहुत अच्छा लोगों ने तारीफ किया, तो कल आज तारीफ हुआ है तो कल गालियां सुनने के लिए भी तैयार। आज अगर बहुत अच्छा स्कोर किया तो कल लो स्कोर के लिए भी तैयार हो। लो स्कोर के लिए घबराना नहीं है, लेकिन जब लो स्कोर हो जाए, जब लोग गालियां देने लगे, तो 4 गुना मेहनत बढ़ा दो और उस चीज से गिव अप मत करो। बिल्कुल 100% कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता ही होता है। तो ये है कंसिस्टेंसी का मंत्र कि जो जीवन में आपको बड़े से बड़े गोल को अचीव करने में मदद करता है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टेटस और स्टोरी पे भी इस वीडियो के लिंक को मेंशन करें। मिलते हैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।